नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के प्रयासों के चलते पक्षपात का मामला सामने आया है। मामले को उजागर करने के लिए बच्चे के माता पिता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को शिकायत भेजी है और खिलाड़ी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग की है। बच्चों के पिता निशांत सिंह ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में उसकी रुचि को देखते हुए उन्होंने अपने बेटे को स्केटिंग के खेल में शामिल कर लिया और स्कूल के खेल शिक्षकों ने उसे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट मॉडल पटियाला में जिला स्तरीय स्केटिंग हुई। प्रतियोगिता में 11 लोगों ने भाग लिया, जिसमें आयु समूह 1000 मीटर स्पर्धाओं का एक राउंड पूरा करने के बाद उनके बेटे को हेलमेट नहीं पहनने के कारण बाहर कर दिया गया, जबकि कई छात्रों ने पिछले राउंड में बिना हेलमेट के प्रतिस्पर्धा की थी। उन्होंने गुरसिंह को प्रतियोगिता से बाहर करने पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर ऐसा कोई नियम था तो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही बच्चे को बाहर कर देना चाहिए था। उन्होंने मुख्यमंत्री बहुत जगह यह जिया ने जिथे कि सिखधारी सिख न हैलमेट पाना कोई जरूरी नहीं है ते इसे जो ना पा सक की उस दिन होया की सी तुहाडे नाल उस दिन जी जिहड़ा अंडर 11 का यह कंपीटिशन सी जिहदे विच जदों बच्चा लाइन से खड़े उस समय एक स्टार्टर की जिम्मेवारी हुंदी है भी वह कले कले बच्चे नूं चैक करे। मेरा बेटा 14 तारीख को पटियाला में स्केटिंग कंपटीशन में अंडर 11 जो गेम्स चलती हैं उनके तहत वो खेलने के लिए गया था और वहाँ पे जो ट्रेजेडी हमने फेस की कि बच्चा फर्स्ट राउंड लगा चुका है 8 से 10 बच्चों के कंपटीशन में और एक राउंड पूरा होने के बाद बच्चे को चलती रनिंग स्पीड से किस गेम में गया था बच्चा स्केटिंग में तो उसको रनिंग स्पीड में ही उसकी बाजू खींच के उसको बाहर निकाल लिया गया तो इससे बच्चे का मोरल इतना ज्यादा कारण क्या बना कारण उसको जो दो वर्ड्स बोले गए कि बच्चे ने सिर पे हेलमेट नहीं पहना तो अगर बच्चे ने सिर पे हेलमेट नहीं पहना तो जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट था तब वो टीम कहां सो रही थी तो तभी तो वो बच्चे को देख सकते थे कि बच्चे ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना, बच्चा क्वालिफाइड है कि नहीं है तो अगर तब भी उनको पता चला तो बाद में इतना सब्र कर लेते वो कि बच्चे को 4 राउंड पूरे करने देते बाद में अपना डिसीजन डिक्लेयर कर देते। बठिंडा में कुछ दिन पहले एक नौजवान का कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया और कार्रवाई शुरू की। एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि थाना कनाल में मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको अदालत में पेश कर रिमांड हासिल की जाएगी ताकि पूछताछ की जा सके। तो पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है जिसके अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी और उसके बाद आगे की जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार युवक ने हत्या क्यों की। तो फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ही युवक की हत्या कर दी गई थी, जिस आरोप में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंद्रह तरीक में एक लड़का आकाश अपने कुछ साथियों के नाल एक परशुराम नगर के गोल गप्पे खान गया सीगा। उथे कुछ अणपछाते लड़कियां ने उपर अटैक करता सीगा ते उहदे नाल तेज धार हथियारां नाल उहदे हमला करता सीगा। जख्मी हाल दे विच उसनूं सिविल हस्पताल बठिंडा दाखिल कराया गया सीगा जिथे उसकी मौत हो गई सी। इस संबंध दे विच असीं थाणा कनाल कलोनी दे विच मुकदमा नंबर 183 अंडर सैक्शन 302-120 आईपीसी दर्ज किया गया। इस दे विच दोषियों की पछाण कर ली गई है। टोटल 9 दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर है, जिस दे विच असीं 4 दोषी आकाश जो मेन इसका मास्टर माइंड सीगा ते नाल उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी जिहड़े हैगे रहिंदे दोषी 5 दोषियों की गिरफ्तारी बाकी है जिन्होंने जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए।
डबल ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए लुधियाना पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। दरअसल मृतक का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और उसकी सगाई एक युवक से हुई थी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना का कोई गवाह न रह जाए, इसलिए मृतक के साथी की हत्या कर दी गई। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि आरोपियों ने भामिया इलाके में स्थित एक गेस्ट हाउस में साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया था। दोहरे हत्याकांड की सुलझाई गुत्थी, एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक जड़ा के बड़ा दो यंग लड़के आनू एक होया सी भी अब्डक्ट किसी ने कर लिया। साढ़े को इन्नी इंफॉर्मेशन सी, असी परचा दर्ज करता। वो जो परचे की इन्वेस्टिगेशन दे विच पता लग्या कि ये जड़े आ दो जड़े के लड़के आ गुलशन गुप्ता ते राहुल सिंह, इन्हों का जड़ा वो मर्डर जड़ा करके इन्हों की डेड बॉडी है जी वो नाले दे कोले डिस्पोज ऑफ कर दिती। लुधियाना पुलिस वालों इस अन्ने कतल नूं बाकी केसां वांग जिवें साडा ट्रैक रिकॉर्ड आ 12 घंटे 24 घंटे 18 घंटे इहनूं 16 घंटिआं दे विच पंजां विचों चार मुलजम अरैसट कर ले, जिथे डेड बॉडीज डिस्पोज कीतीआं सी ओह रिकवर कर लईआं, नाल नाल जिहड़ा हैगा उहदे च वैपन ऑफ ऑफेंस रिकवर कर ले। वजह रंजिश इह है जिहड़ी जिहड़ा इहनां चों मुख दोषी हैगा अमर यादव। तरन तारण जिले के मुंडा पिंड गांव में जहरीले सांप के काटने से दो भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चों की उम्र 10 साल और 7 साल थी। बड़े बेटे ने कान और पेट में दर्द की शिकायत हुई, जबकि छोटे बेटे को भी कलाई और पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। बच्चों की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने गांव में प्राथमिक उपचार कराया। इस बीच बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की अमृतसर के अस्पताल ले जाने में इलाज के दौरान मौत हो गई। ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਖੋ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਭਰਾ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਗਾਭੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਕੀ ਲੜ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਟ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਕੰਨ ਸੁੱਜੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜ ਦੱਸੀ ਪੀੜ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ 7 ਸਾਲ। ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਜੀ, ਇਹੋ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ ਦਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਚਾਂਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ? ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੱਜਾ ਸਤੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? सीएम भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर जालंधर पुलिस ने ड्रग तस्करों पर ड्रग की कमाई से बनाई गई 40.3 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि ड्रग कारोबार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ड्रग रिकवरी के साथ साथ जालंधर देहात पुलिस ने सब डिवीजन शाहकोट के अंतर्गत गांव रेडवा के 8 कुख्यात तस्करों की 40.3 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। एसएसपी मुखविंदर भुल्लर ने जनता से भी अपील की है कि ड्रग के खिलाफ पंजाब सरकार और पुलिस की मुहिम में सहयोग करें, ताकि इस सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म किया जा सके। जहां पे
सवाल है जलंधर रूरल पुलिस का, तो हमने इस साल में जनवरी में 219 के करीब केस रजिस्टर किए हैं, जिनमें से कमर्शियल केसेस काफी रजिस्टर किए गए हैं, और टोटल हमने 45 किलो के करीब जो हेरोइन है वो अलग अलग केसेस में रिकवर की है। और रिकवरी के साथ साथ हमने जो पुराने स्मगलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अटैच और फ्रीज कराने का काम भी जो हमारे माननीय डीजीपी साहब की हिदायत के ऊपर शुरू किया हुआ है, इसमें हमने पीछे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्रीज करने का प्रॉपर्टी रेडवा गांव शाहपुर में ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसमें 8 स्मगलर थे रेडवा गांव के, जिसमें से कुलवंत सिंह कांति, सुखप्रीत सिंह, दिलबाग सिंह, अवतार सिंह और इनके ज्यादातर सभी रिश्तेदारी हैं, जिनकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज करने के ऑर्डर हुए हैं, और अगले कुछ दिनों में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के हुक्म के अनुसार हमारे सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से नीलाम भी किया जाएगा। फगवाड़ा के मोहल्ला टिब्बी में एक दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल सवार के ऊपर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद उसके ही परिवार ने घायल को फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायल की पहचान गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने बताया कि वह अपने घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में खड़े एक दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने उस पर प्रतिदार हथियारों से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। वहीं पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उससे 25,000 की नकदी, एक आईफोन और उसका पर्स लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। हमला मारा तो बचा दे फगवाड़ा और मोगा के बाद अब जालंधर में गोलियां चलने का मामला सामने आया है, जहां जालंधर के भगवान श्री वाल्मीकि गेट में बच्चों के खेलने को लेकर झगड़ा हो गया, जिस दौरान हवाई फायरिंग की गई। बता दें कि हवाई फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो जालंधर में गोलियां चली हैं, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, बच्चों के खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इलाके में फायरिंग की गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जिला कपूरथला में एक युवक पर बाइक पर सवार होकर आए दो लोगों ने गोली मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। बता दें कि बाइक पर सवार दो लोग पहले तो युवक के घर आए और फिर गोलियां मारकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें कि पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। बाइक सवार दो लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस जो है अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ जी, सानू साढ़े 9:45 जी है इन्फॉर्मेशन आती है कि जो न्यू मनसा देवी नगर हैगा, उत्थे अणपछाते व्यक्ति वालों कोई पंकज दुग्गल नाम का व्यक्ति हैगा, जिहड़ा हिमाचल कामकार करता है, उत्थे करियाने का जिहड़ा समान हैगा वह सप्लाई करता है, उन्होंने जिहड़ा हैगा अणपछाते बंदियां वालों, या वो असीं हले वेरीफाई कर रहे हैं जी फैक्ट्स कि किन्ने बंदे हैगे ने, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇਟ ਹਿੱਟ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ।
लुधियाना से एक बड़ी घटना सामने आई है। पखोवाल रोड स्थित महाराजा रणजीत सिंह नगर में पूर्व मंत्री जगदीश सिंह गरचा, उनकी पत्नी और अन्य को बेहोश कर रात को लूटपाट की गई। पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी और दो नौकरानियां अभी भी बेहोश हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट का शक एक घरेलू नौकर पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात के समय घर में मौजूद लोगों को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया था। तो वहीं पड़ोसी बीजेपी नेता जगमोहन शर्मा ने बताया कि जगदीश गरचा का शरीर ठंडा है और हालत भी गंभीर बनी हुई है। जिदे विचो कह सकते हैं भी एक जिहड़ा सर्वेंट रखा हुआ सी, वो सर्वेंट है जिहड़ा करीब 3 महीने तो रखा हुआ सी, वो कोई बेहोशी की दुआ पा के जिहड़े एक्स मिनिस्टर अपने श्री जगदीश सिंह गरचा बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने कोई खाने के उवें पा के ते रात उन्होंने घर जो वैल्यूएबल कीमती चीज़ा होंगे गहना या होर हजे किसी को आइडिया नहीं वो लैके चलिया गया। पंजाब के बठिंडा में निजी कॉलोनी वासियों की तरफ से सीवरेज की समस्या को लेकर बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर और बठिंडा के एसएसपी दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए बठिंडा के गोनियाना रोड स्थित होमलैंड कॉलोनी निवासी की तरफ से बताया गया कि कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी आए दिन खड़ा रहता है, लेकिन कॉलोनी मालिक की तरफ से कोई हल नहीं किया गया, जिसके चलते कुछ दिन पहले हमने सभी ने बठिंडा डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र दिया था, परंतु अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। घर में पानी इकट्ठा होने की वजह से बीमारी का डर सता रहा है, जिसको लेकर हम डिप्टी कमिश्नर के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। क्योंकि इतने सारा कुछ सेफ्टी सी, सारा पूरा प्लैन सीगा, हुण एक भी प्लैनिंग उन्होंने पूरी नहीं की। ईवन जब सीवरेज का साडा बेसिक जिहड़ा हैगा वह भी उन्होंने वापिस उन्होंने बंद कर दिता और गटर विच पानी गलिया विच फैल रहा। मामला साडा जी है सीवर का, नहीं इन्होंने खूह बनाया सी विष्णु जी ने, वो खूह हुण बंद करता, कलोनी बना के बेच रहे हैं, ट्रैक्टर के ट्रक मिट्टी उत्थे पै रहे हैं, साडा जिहड़ा पानी है सीवर का वो साडे घरों च वापस आ गया। अपना उन्होंने कॉलोनी नाल कनेक्ट करा लिया ताकि उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, एक चार पांच घर तो इलावा बाकी पूरी कॉलोनी नु है। और साडा जो पानी है, इवन असि बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं, स्मेल इन्नी ज्यादा आती है और मच्छर सारा कुछ हुण उत्थे पैदा होना शुरू हो गया। सानू हैंड ओवर की गई है तो फिर यदा सीवरेज सरकार ने हाले तक क्यों नहीं जोड़िया, असी सरकार तो यह सवाल पूछना चाहते हैं। सीवरेज की प्रॉब्लम जी एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम है, मेरे मैं लगता तुसी भी ये सहमत होवोगे, है ना, तो इन्ना ज़्यादा स्मैल आ रही है सानू घर रहना औखा हो गया, बाकी ट्रकां भर भर के मिट्टी जा रही है, जिदे नाल साडे छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ने एडे एडे वड्डे टैंकरस आ रहे अन्ने वाह चला रहे हैगे, तो साडी सेफ्टी और सिक्योरिटी और स्वच्छता कित्थे गई। चीज दे नाल सरवाइव कर रही है कि भी सीवरेज की जो प्रॉब्लम आ रही हैगी साडे पिछे एक दीवार तोड़ के उहदे विच कलोनी कट दी गई है, तो जिदे करके हुण सानू लेडीज़ नूं सेफ्टी भी नहीं हैगी है, सिर्फ एक गेट रख्या होया सीगा, उस गेट करके असीं सारे ने अपने अपने इत्थे मकान लिते सीगे, करके असं ऐसा सोचते भी सेफ हैगे हैं, पर हुण जिहड़ी दीवार तोड़ के ना तो साडी कोई लेडीज की सेफ्टी हैगी है, तो जिहड़ी अज सानू सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है ओहदे नाल जे साडे घरां दे इक बारिश होर पै गई है असीं आपदे घर छड्डण ते मजबूर हो जांगे। साडा मामला सी होमलैंड दे वासी है सारे, जिन्नी भी साडे संगत है लेडीज जेंट्स बच्चे असीं सारे इत्थे इकट्ठे हो के डीसी साहब नूं मिलण आए सी, डीसी साहब सानू मिले नहीं, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫਰਿਆਦ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में छात्रों द्वारा गेट को बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। श्रोमणी अकाली दल, बादल अकाली दल, अमृतसर और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर एसपी सिटी सरफराज आलम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो अनमिथे समय के लिए ये धरना असी चलावांगे, क्योंकि प्रोफेसर दे एडे हौसले वध रहे ने, विद्यार्थियों आपदे जिहड़े इत्थे चेले चपटे यूनिवर्सिटी कैंपस दे विच ने
उन्हां तों थ्रैट दवा रहा कुड़ियां नूं अलग फेक आईडियां तों धमकी आ रही ने कि जे तुसीं उत्थे गई आपदा हिसाब ला लिओ तुहाडियां फोटोआं असीं गलत इत्थे वायरल कर दांगे ते मुंडिआं नूं वी थ्रैट कर रहे कि आपदा हिसाब ला लिओ। हांजी धमकी आ भाई जी अज्ञात व्यक्ति ने जिहड़े आपदी फेक आईडिया बना के उन्हां तों कुड़ियां नूं थ्रैट कर रहे ने इंस्टाग्राम ते कीते जा रहे ने जी ते इन्हां दे कुछ इहदे चेले ने जिहड़े ओह इंस्टाग्राम दे उत्ते मेरे कोल वीडियो भी हैगी है इहदे च ओह असले वालीआं फोटोआं भी भेज भेज के विद्यार्थियों नूं डरा रहे ने। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब महासचिव परमिंदर सिंह बराड़, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल सिंह संगत के समूह के साथ पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के गुरुद्वारा साहिब में चंदोआ सिरोपाओ और अरदास की गई। मीडिया से बात करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा और पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों देशों के सहयोग से हमें बिना वीजा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबों के दर्शन करने का मौका मिला है। नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे सिख समुदाय ने भी उनकी लंबी उम्र, सबकी भलाई और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव पातशाह जी की पवित्र चरण छो प्राप्त है धरती और उत्थे नतमस्तक होने लिए अज जदों का लांघा खुले है उस तो बाद पहली बार जाने का मौका मिले है। संगत दे नाल संगती रूप दे विच अज इत्थे आके बहुत चंगा लग्या और सब तो खुशी वाली गल यह है कि बिना कोई वीजे दे जिस तरह की दोनों मुल्कों ने सहूलत दी है सिख कौम नूं, समुचे पंजाबियों नूं, सारे देशवासियों नूं, सारी मानवता नूं जिहड़ी सहूलत मिली है उस सहूलत दे तहत अज असीं इत्थे सवेरे आके शाम नूं अज वापस जाना है। ये अपने आप दे विच बहुत घट मुल्कां दे विच इदां दीआं चीज़ां वेखण नूं मिलदी हैं। कांग्रेस नेता लक्की संधू को लुधियाना कोर्ट में पेश किया गया जहां लक्की संधू ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि लंबे समय से परेशान कर रहे थे और जनित कौर जो इंस्टाग्राम पर कई लोगों को ब्लैकमेल करती थी उसके साथ कहीं न कहीं लक्की संधू के तार जुड़े बताए जा रहे हैं, जबकि लक्की संधू ने कहा है कि वो बेकसूर है। लक्की संधू को 2 दिन का पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मेरा भरा तरन तारण गुरुद्वारा साहब विच बह के पाठ कर रहा, सीसीटीवी कढ़ा लो, उत्ते यह परचा दर्ज कर दिता गया। जिहड़ा तरन तारण 150-200 किलोमीटर दूर बैठा मेरे होटल दे बंदे मेरी रैकी करन आए, मैं आप पुलिस नूं फड़ाए। आप ब्लैकमेलिंग दे गल्ल दा रोप लगा रहे हो, इस गल्ल दा ब्लैकमेलिंग है? किस गल्ल दा ब्लैकमेलिंग है? किस गल्ल दी ब्लैकमेलिंग है दसो तां सही। परचे तो देखो की है, मैं बंदे फड़ाए मेरे ते परचा दर्ज हो गया, सिर्फ मेरे नाल नजायज धक्का हो रहा क्योंकि सरकार है नी। वो एक कतीड़ बंदा, सुन लो मेरी गल, एक कतीड़ बंदा पुलिस नूं दबके मार रहा, एस एच ओ नूं दबके मार रहा। ढंडारी सीगा मैं इन्हां दे, जिथे इन्हां दा ढाबा है उहदे नाल दी गली च रहिंदा। मैं इन्हां दे नाल ते जदों घर वास्ते किते जाण वास्ते निकलिया, मेरा फ्रेंड आ उत्थे, इहदी गड्डी खड़ी सी, जदों मैं आके इहदी गड्डी 'च बैठा ते 10-15 जणे आए, इन्हां ने मैनूं रोकिया, इन्हां ने उतर के मैनूं गड्डी 'चों, कहिंदे उतर नहीं कहा मैनूं, मैं उतर के बाहर आ गया। मैनूं सीगा नॉर्मली कोई गल करनी होए, इन्हां ने जदों मैं बाहर आया ते इन्हां ने 2-3 बंदे होर आए, इन्हां ने मेरे पिछों हत्थ फड़ ले। लक्की संधू ने इदां पिस्टल कढ़िया, अपने कुर्ता पजामा पाया होया सी इहने, इत्थों रिवालवर कढ़ के इहने मेरे सिर 'च 3-4 वारी मारिया, 3-4 वारी मेरी वक्खी 'च मारिया। हर खबर पंजाब में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।